हेलो, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो ये सेकंड व्लॉग है गोवा का। तो जैसा मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि हम लोग नाइट लाइफ गोवा के एक्सप्लोर करेंगे, बागा बीच की। तो अब हम सब लोग रेडी हो चुके हैं। हियर इज वर्षा और प्रशांत और सुचित्रा भी रेडी हो चुके हैं। तो अब आगे चलते हैं बागा बीच में और कैनक्रेंट और टीटो लाइन पे। तो देखते हैं वहाँ पे नाइट लाइफ कैसी चल रही है और क्या है। तो हम जाएंगे अपनी स्कूटी से, तो चलते हैं। अब आपको आगे सो अभी हम निकल चुके हैं अपने रूम से और अब हम जा रहे हैं कैलेंग्यूट बीच। और ये है कुछ मॉनसून में गोवा का नज़ारा। भीड़ कम है पर हाँ, बहुत ही हैपनिंग प्लेस है, बहुत मज़ा आ रहा है। और ये यहाँ की मार्केट है, टीटोज लैंड के पास है ये। और अभी हम आगे का आपको रास्ता दिखाते हैं। और अभी बज रहे हैं 9 और मार्केट अभी भी ओपन है। और यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जैसे कपड़े मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े हैं, बैग्स हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो कैलेंग्यूट बीच का सर्कल आता है। हम अभी बागा की साइड से आ रहे थे तो हमने इस सर्कल से राइट लिया है। राइट में लेते ही यहाँ पर ये शॉप्स हैं, ये स्लिपर्स की हमें एक शॉप मिली है क्योंकि सुचित्रा को यहाँ पे स्लिपर्स लेने के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटीज़ हैं। और बोरी हमारी सुचित्रा, इनको स्लिपर्स लेनी है। मेरे प्रशांत राघव, हाय, मैं शॉपिंग करा रहा हूँ। इसी के साथ में ही यहाँ पे ये तामली रेस्टोरेंट है और भी कपड़ों की बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स हैं। अब जाते हैं हम यहाँ पे आगे की तरफ कैलेंग्यूट बीच पे और आगे की आपको नाइट लाइफ दिखाते हैं कैलेंग्यूट बीच की, क्या क्राउड है। चलो मिलते हैं आपसे यार नेक्स्ट कैलेंग्यूट बीच पे। सो अभी हम यहाँ से आए हैं, यहाँ से मेन कैलेंग्यूट बीच का एंट्रेंस है और अभी स्कूटी हमने यहाँ पे पार्क कर दी है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं कैलेंग्यूट बीच की तरफ। और वहाँ से आप स्टार्ट देखते हैं कि कौन कौन सी शॉप ओपन है इस टाइम पे और कितना क्राउड है, देखते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स ओपन हैं, कुछ बंद भी हो चुकी हैं। और अभी हमारा मोमोज खाने का प्लान बन रहा है जो कि हम राजस कोल्ड ड्रिंक के पास से एक स्टॉल लगा हुआ है मोमोज का, हम यहाँ से खाएंगे। और आगे हमें कैलेंग्यूट बीच का ही एंट्रेंस ये है। सौरभ, अभी हम लोगों ने मोमोज ऑर्डर करें जो कि 100 रुपीज़ प्लेट है जिसमें 8 पीस है। तो अभी टेस्ट करके देखते हैं कि यहाँ का टेस्ट कैसा है मोमोज का, तो फिर आपको बताते हैं क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। ये कैलेंग्यूट का रात का नज़ारा है। क्राउड काफ़ी है, ऑल्दो ये ऑफ सीजन है बट क्राउड तब भी बहुत ज़्यादा है। हम लोग यहाँ पे नहीं, हम लोग यहाँ पे मॉर्निंग में आए थे ना, तो हमें मॉर्निंग में अभी तक बारिश नहीं मिली। वेदर बहुत ही ऑसम है और इस टाइम पे 11 बज रहे हैं, 11 बजे का रात का ये क्राउड है यहाँ पे कैलेंग्यूट बीच का। तो आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे कैलेंग्यूट पे कैंडल डिनर हो रहे हैं यहाँ पे। ये है पंजाबी रोटी रेस्टोरेंट जो कि फुल वेजिटेरियन है। और अब हम यहाँ पे जाएंगे खाना खाने के लिए क्योंकि अभी हमको बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है। और ये है टीटोज लाइन का कुछ क्राउड जो यहाँ पर अभी आप देख ही रहे होंगे। और ये रहे सौरभ, हम चलते हैं अंदर। सो बागा बीच पे ये लासो लास है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। बाहर यहाँ पे सिटिंग भी लगा रखी है, उसके साथ में यहाँ पे इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी बाय रत्ना सागर। इनके भी बाहर बहुत ही ज़्यादा अच्छा एम्बियंस है, सिटिंग है, कैंडल लाइट डिनर कर सकते हैं और हुक्का भी अवेलेबल है।
लिकर भी अवेलेबल है, हर जगह साउंड बंद हो चुका है, बट आगे अरुंद्रा में चल रहा है इस टाइम तक। और अब मौसम हो रहा है बारिश वाला और 1 बज रहा है। आगे सिटिंग थी, यहाँ पे चेयर्स लगी हुई थी, बट पुलिस वालों ने आके यहाँ पे सब कुछ वाइंड अप करा दिया। बट यहाँ पे जो लिमिटेड चेयर लगी हुई है, यहाँ पे अभी लोग डिनर कर रहे हैं, तो इस वजह से उनको अभी नहीं उठा सकते थे। आगे एक हार्ट शेप में एक और रेस्टोरेंट है टीटूस करके, तो वहाँ पे मतलब कपल्स आ सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक करा सकते हैं, बहुत ही अच्छे एम्बियंस है। क्योंकि मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसकी लाइटिंग पूरी अच्छे से देखी थी। वीडियो में थोड़ी लेट बना रही हूँ, तो इस वजह से मैं उसको अभी अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाई हूँ, तो कैप्चर हम कल करेंगे इसको। कल मैं इसको प्रॉपर दिखाऊंगी कि इसकी लाइटिंग कितनी अच्छी है, और यहाँ पर हम फोटोज़ वगैरह भी अच्छे से क्लिक करा सकते हैं। अब यहाँ पर ये है किंग्स अंकल पैराडाइज, इसकी भी चेयर्स लगी हुई थी यहाँ पर आगे, बट सब कुछ वाइंड अप करा दिया है यहाँ की पुलिस ने। ये है कैफे लवल, कैफे लवल बार एंड रेस्टोरेंट। इसका एम्बियंस बहुत अच्छा है, फोटोज़ वगैरह क्लिक कराने के लिए बहुत ही अच्छा है। ऑल दो थोड़ी बहुत जो लाइटिंग है इसकी अभी उन्होंने कम कर दी है, यहाँ पे कैंडल लाइट डिनर भी चल रहा है। ऑल दो अभी ये वाइंड अप नहीं हुआ है, बट ये भी वाइंड अप होने वाला है, क्योंकि पुलिस यहाँ पर भी आसपास घूम रही है, इसको भी वाइंड अप करवाएंगे ये लोग। और अब हम चलते हैं रूम में, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को ये करते हैं यहीं पर एंड। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय।